फ्रेंड्स, वेलकम टू माई न्यू ब्लॉग। और अभी मैं आ चुका हूँ बक्सर के प्रसिद्ध नाथ बाबा मंदिर, उसे श्री आदिनाथ अखाड़ा के नाम से भी जाना जाता है। तो फ्रेंड्स, चलिए अभी हम देखते हैं नाथ बाबा का मंदिर। तो फ्रेंड्स, ये है हमारा नाथ बाबा मंदिर, और जो कि गंगा किनारे पे स्थित है। लगभग आज से 50-60 साल पहले बना हुआ। देखिए, मैंने एंट्री पे श्री आदिनाथ अखाड़ा भी लिखा हुआ है। और ये देखिए, यहाँ पे गंगा जी बहुत ही पास में है, गंगा किनारे पे है। अभी तो बाढ़ की वजह से ये सारा गंदगी इधर फैला हुआ है। देखिए, इधर पानी इधर पूरा भरा हुआ है। गंगा जी वहाँ पर है पास में ही। चलिए, मैं पहले आपको मंदिर दिखाता हूँ, उसके बाद फिर गंगा किनारे पे चलेंगे। चलिए फ्रेंड्स, अभी हम मंदिर में चलते हैं। देखिए, मंदिर मतलब बहुत ही ये मंदिर का कैंपस है अंदर में। और यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे हनुमान जी का मंदिर है, और इस साइड में सूर्य भगवान की मूर्ति लगी है। और यहाँ पे फ्रेंड्स, एक खास चीज़ है जो आप लोग शायद ही देखे होंगे। ये देखिए, बांध सेतु नील नगर मागर, राम कृपा जसु भय हो उजागर, बड़ू ही अन ही बोर की जई, भय पल मोहित सब ते। भगवान श्री राम के चरण स्पर्श पवित्र नल नील द्वारा सुगठित यह चमत्कारी पत्थर सेतु बंध रामेश्वरम का एक लघु अंश है। लाखों वर्ष के बाद आज भी यह पानी पर तैरता है। फ्रेंड्स, ये वही पत्थर है जिससे कि भगवान राम ने पुल बांधा था समंदर में श्रीलंका जाने के लिए, सीता माता को लाने के लिए। तो यही फ्रेंड्स, देखिए ये पानी में तैरता है। फ्रेंड्स, हम जब बचपन में आते थे तो ये बहुत बड़ा था, लेकिन अभी तो गलते गलते छोटा हो गया है। कोई नहीं, ये चमत्कारी चीज़ हमें देखने के लिए मिलता है, और बक्सर में है तो ये बहुत ही मतलब। और अभी हम आपको कैंपस दिखाते हैं मंदिर का। अंदर में बहुत सारी मूर्तियाँ हैं। ये कैंपस है मंदिर का, इसमें भगवान लोगों की मूर्तियाँ। देखिए, ये दुर्गा माता मंदिर है, मतलब बहुत सारा मंदिर है। इधर चलते हैं हम, देखिए वहाँ पर पूजा हो रहा है शिवलिंग का। और इधर हम चलते हैं, अभी देखते हैं। यहाँ पे लगभग सभी भगवानों की मूर्ति, साधु संत सभी लोगों की मूर्ति इसमें अंदर बनी हुई है, राउंड राउंड में। ये देखिए, यहाँ पे पीपल का पेड़ है ये। और यहाँ पे श्री आदिशेष नाथ भगवान की मूर्ति है अंदर में। चलिए फ्रेंड्स, अभी हम मंदिर से बाहर चलते हैं और बाहर का दृश्य आप लोग को दिखाते हैं गंगा किनारे पे। तो अभी हम बाहर निकल रहे हैं यहाँ से। मेरे चप्पल कहाँ गए? मेरे चप्पल यहाँ पे। अब देखिए, गंगा किनारे पे स्थित है, और यहाँ पे लोग स्नान करने के लिए भी आते हैं। ये नाथ बाबा घाट भी है यहाँ पे।
ये सभी लोग, कुछ लोग स्नान करके जा रहे हैं, कुछ लोग दर्शन करके जा रहे हैं यहाँ से। तो अभी हम आपको नीचे चल के दिखाते हैं। ये देखिए बत्तख पानी में तैर रहे हैं। यहाँ पे मनोरम दृश्य गंगा जी का। अभी तो पानी गंदा है, यहाँ पे बाढ़ आया हुआ है, लेकिन अभी मस्त यहाँ पे सीन देखने को मिलेगा आपको। देखिए ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए।